वेलकम इन आवर चैनल मार्केट न्यूज। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ, जिसमें एक नया खबर निकल के आया 3i इन्फोटेक के बारे में, इसके आज पूरी तरह डिटेल चर्चा करेंगे कि आखिर इस खबर का क्या इम्पैक्ट है। आज एक इन्वेस्टर मीट भी था 15 सितंबर का, उसका भी आउटकम आया है, जो एक्सचेंज को उन्होंने इन्फॉर्म किया है, तो उसमें क्या क्या खास बात थी उसको डिस्कस करेंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये बात करेंगे कि ये कंपनी कब रिलीज हो सकती है और ASO1 का क्या इम्पैक्ट आएगा प्राइस एक्शन पे, और आगे कंपनी का क्या फ्यूचर है, कंपनी का प्लान क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स में देखेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल पे। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं 17 सितंबर आज का डेट है। इसमें क्या है कि अनाउंसमेंट आया एक कि पर्सुएंट टू रेगुलेशन 30 SEBI ऑर्डर वी इज टू इन्फॉर्म डैट एनालिस्ट इन्वेस्टर मीट वॉज हेल्ड वर्चुअली ऑन 30 September 2015। तो उसका जो आउटकम था उस पर देखते हैं। PDF को खोलते हैं। PDF में एक रेगुलेशन 30 उन्होंने ये बताया है, यहाँ देख सकते कि जो भी वर्चुअल मीटिंग था उसमें क्या क्या इंटरेक्शन किन के साथ हुआ, उसमें जो कंपनी रिप्रेजेंटेटिव कौन थे, तो मिस्टर थॉम्सन पी जेननम, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो भी हाल ही में अप्रैल में अपॉइंट हुए थे 3i इन्फोटेक के लिए। तो दोस्तों अभी बात करते हैं इसके बिजनेस मॉडल पे। तो चलिए, हाँ मैंने 3i इन्फोटेक का मेन वेबसाइट ओपन कर लिया। यहाँ देखिए, पावरिंग ट्रांसफॉर्मेशन लिवरेजिंग एनालिटिक्स मोबिलिटी एंड डिजिटल टू इन्फ्यूज एजिलिटी इन्हांस ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड एक्सेलरेट बिजनेस आउटकम्स। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ कंपनी का एम्बिशियस कितने ज़्यादा अपना एम्बिशियस है। पूरा जो पहले इन्होंने कहा, इस मीट में भी कहा इन्होंने, थॉम्सन साहब ने, कि जो पहले जो कंपनी थी वो सर्विस प्रोवाइडर थी और बाद में प्रोडक्ट मेकर थी, लेकिन अब जो है मेन इनका जो बिजनेस था वो बिक गया है और अब क्या है कि एक नई 3i इन्फोटेक है। बस इसमें एक अलग से फ़ायदा है जो मैं आगे चर्चा करूँगा डिटेल्स में कि आगे उन्होंने क्या कहा था इसमें। देखिए पहले इसका मैं बिजनेस दिखा देता हूँ ताकि आपको जो भी टर्म्स मैं वहाँ यूज करूँगा आपको आराम से समझ में आए। यहाँ देखिए सर्विसेज क्या है, यहाँ कंसल्टिंग सर्विसेज है, क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सर्विसेज है जिसको ITMS बोलेंगे, डाटा एंड एनालिटिक सर्विसेज है, क्वालिटी एश्योरेंस सर्विसेज, बिजनेस प्रोसेस एंड प्रोफेशनल सर्विसेज जिसे BPaaS बोलते हैं, एंड ब्लॉकचेन सर्विसेज। और किस किस इंडस्ट्रीज में ये वर्क करती है, यहाँ देख सकते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, गवर्नमेंट एंड एंटरप्राइजेज। तो दोस्तों अभी बात करते हैं कि इन्वेस्टर मीट में ऐसा क्या हुआ और उन्होंने क्या क्या बोला, वहाँ पे कैसे सवाल है उस पर थोड़ा चर्चा कर देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि सबसे ज़रूरी चीज़ें इस SOA के बाद ऐसा क्या हुआ, इस SOA में हुआ कि पहला ये कंपनी डेट फ्री हो गई, मतलब कोई भी कर्जा नहीं है कंपनी, और कंपनी आने वाले दिनों में 5G पे फोकस करने वाली है। यानी 4-5 इन्होंने अपना पॉइंट्स गिनाए, जैसे कि पहला डेट फ्री, दूसरा 5G, तीसरा उन्होंने कहा कि हम अपने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे भी फोकस करेंगे जिसमें एग्री टेक एंड ग्रीन टेक पे फोकस करेंगे, अपने गवर्नमेंट बिजनेस का जो एक्सपेंशन है उस पर फोकस करेंगे, और ये अपना 5G में एक की प्लेयर रहना चाहते हैं। और इनका जो अपना जो एम्बिशियस था कि आने वाले 10 सालों में ये $1 billion का अपना पहुँचेंगे, अपना रिवेन्यू बनाएंगे, उसके हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन है कि वो किस प्रकार से करेंगे, क्या आपने सोचा उनके लिए क्या था, ये 3i इन्फोटेक अलग कैसे है। तो यहाँ उन्होंने बताया कि ग्लोबली एक ह्यूज मार्केट है, तो ये 5G में वो बोले कि मैं 5G में वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो सवाल ये भी उठता है कि 5G अगर अपॉर्चुनिटी है तो देख सकते हैं कि अगर 5G अपॉर्चुनिटी है तो 5G कैसे है। तो उन्होंने सिंपल जवाब दिया कि देखिए किसी भी बिजनेस में सबका स्पेस होता है, लेकिन आपको चूज करना है कि सेक्टर स्पेस क्या है।
तो उसके लिए क्या था कि एक वो एज एरिया में जाना चाहते हैं, 5G का एक अलग उसमें बिजनेस होता है, तो उसमें फार एंड नियर एज एरिया में वो ये लोग फोकस करेंगे, 3i इन्फोटेक, जहाँ सास एरिया फोकस रहेगा, और दूसरा GRC मतलब ग्लोबल रिस्क एंड कंप्लायंस। GRC जो है, GRC जो ग्लोबल रिस्क एंड कंप्लायंस है, उस पर फोकस करेंगे, एज एनालिटिक्स पे करेंगे। आपने देखा वहाँ पर, आपको बताया बिजनेस में, यहाँ देख सकते हैं डाटा एंड एनालिटिक्स सर्विसेज में है, तो उसमें फोकस करेंगे। और इसमें देखिए बोला कि अलग अलग स्ट्रेटजी पे आप काम कर रहे हो, तो फिर इस बिजनेस में आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, और अगर अगर अलग अलग बिजनेस में आप जाओगे तो एक समय पे अलग अलग बिजनेस में जाने पर आप फोकस कैसे कर पाओगे, एकदम जेन्यून सवाल था। तो उसमें उन्होंने आंसर दिया कि उसमें क्या है कि रोड मैप तैयार करेंगे। पहला था कि रोड मैप, पहला रोड मैप तैयार करेंगे, रोड मैप रहेगा अपना कि किस पर किसने कितने टाइम से क्यूओ क्यू जाएंगे हम, क्यूओ क्यू फोकस होगा। जब क्यूओ क्यू फोकस होगा उसके बाद इसमें कोई भी ऐसा इमोशनल चीज़ नहीं है कि आप उससे इमोशन से जुड़ जाए कि नहीं मुझे सारी चीज़ें एक बार करना है, उसमें है कि प्लानिंग के थ्रू जा रहा है सब चीज़। और जो आने वाले दिनों में जो फोकस में रहेगा कि क्यों, मतलब तेज़ी से रिवेन्यू बढ़ने के कारण क्या क्या रह सकते हैं, तो इसमें सास फोकस रहेगा, एज क्लाउड जो अभी बताया गया 5G के लिए, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहेगा, एज एनालिटिक्स रहेगा। अभी देखिए बिलियन डॉलर जो कंपनी बनने वाली है 2030 तक, तो उसके लिए क्या क्या है, तो उसके लिए उन्होंने बताया कि पहले शॉर्ट टर्म में जो व्यू है, शॉर्ट टर्म में वो है कि पहले 3 सालों में, पहले 3 ईयर्स में, 3 ईयर्स में 100 करोड़ का एबिटा चाहिए, 100 करोड़ का एबिटा ये लोग क्लॉक करेंगे। और क्या करेंगे, ये उनका बॉटम लाइन टारगेट है, मतलब जो बॉटम कम से कम यहाँ तक हमें पहुँचना है। और दूसरा था हाउ प्रोडक्ट कंपनीज विच प्रोवाइड सर्विसेज ऑल्सो, और ये क्या कर रही है कि प्रोडक्ट, नई नई प्रोडक्ट सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही है ये 3i इन्फोटेक। पहले ऐसा नहीं है, पहले प्रोडक्ट बना रही है, फिर ऐसा प्रोडक्ट कंपनी है जो सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। इसका सबसे देखिए जो अपने फाउंडेशन है उसको ये रीबिल्ड कर रही है, और अलग अलग स्ट्रेटजी से आ रही है जो इसको एक्सिलरेट करेगा पेस को रिवेन्यू जनरेट करने के लिए। अब इसमें सवाल होता है रिवेन्यू जनरेट करने के लिए, रिवेन्यू जनरेट करने के लिए क्लाइंट्स कैसे कैसे हैं, कौन कौन से क्लाइंट्स हैं, मतलब अच्छे क्लाइंट्स होने चाहिए, कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी है जहाँ से आप रिवेन्यू आप बिल्ड कर सकते हैं, रिवेन्यू बिल्ड कहाँ से करेंगे, रिवेन्यू जो है वो कहाँ से बिल्ट होगा। तो रिवेन्यू के लिए क्या है कि इनके लिए सबसे अच्छी बात उन्होंने कही कि इनका एक नए स्टार्टअप की तरह नहीं है ये, इसकी लीगेसी इसके साथ है, ये सबसे अच्छी चीज़ है कंपनी में जो अभी चेंज हुई है, और एक नई 3i इन्फोटेक बन के आई है उसके साथ उसकी लीगेसी है अभी भी, और उसके साथ अभी भी अच्छी कस्टमर बेस बने हुए हैं जो कि बहुत लंबी लिस्ट है कस्टमरों की। और ये जो कुछ कस्टमर इनके जो हाथ से निकल गए थे और जो, तो उनको भी ये वापस लाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। और इनके लिए अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ है, तो US में, इंडिया में और मिडिल ईस्ट में जहाँ ये बहुत स्ट्रांग है। अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है UK में और यूरोप में, यानी अमेरिका, इंडिया और मिडिल ईस्ट, इनका अभी बहुत ही स्ट्रांग पकड़ है मार्केट में, और अपॉर्चुनिटी ये पूरा देख रहे हैं यूरोप में और UK में। यहाँ पे देख सकते हैं ओरेकल के साथ इनका पावर क्लाउड का बिजनेस जो जो लॉन्च होने वाले कुछ दिनों में, और न्यू प्रोडक्ट और न्यू सर्विसेज पे भी फोकस कर रहे हैं वहाँ पे। यहाँ देख सकते हैं नया क्या ऐड कर रहे हैं, न्यू एडिशन, यहाँ पे हुआ कि ऐसा नया क्या हो रहा है, यहाँ न्यू एडिशन क्या क्या है, न्यू एडिशन ये जानना ज़रूरी है दोस्तों कि न्यू एडिशन क्या क्या है। तो न्यू एडिशन में देख सकते कि यहाँ जो भी रीजनल बैंक है US में, जो अमेरिका में रीजनल बैंक है, उस पर फोकस कर रहे हैं, ये लॉजिस्टिक एरिया में फोकस कर रहे हैं, या वहाँ पे क्या है बिलियन डॉलर का जो अकाउंट होता है उसको भी फोकस कर रहे हैं, जैसे उनके लिए वो अलग से सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें भी ये मिलियन डॉलर कॉन्ट्रैक्ट्स जो बहुत सारे ये बैक किए हैं, तो एक अच्छा ग्रोथ इसमें दिख रहा है। वहाँ पे देख सकते हैं लार्जर रिन्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, कि वहाँ आपके कंपनी की वेबसाइट पर जाके उनका जो रहेगा उसमें आप बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स में देख सकते हैं, वहाँ पे जो भी लार्जर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको भी ये रिन्यू किए हैं। अच्छी चीज़ इनके लिए ये हुई है
कि जो लार्जर कॉन्ट्रैक्ट है जो $5 मिलियन के अप्रॉक्स है, वो भी ये रिन्यू कर रहे हैं और ये अपना बिजनेस को चेंज कर रहे हैं किस जो रिवेन्यू को बहुत तेज़ी से जनरेट करेगा उसमें, सास और क्लाउड बिजनेस में। और अब नया सवाल आता है कि जब ये बिजनेस में चेंज कर रहे हैं तो अब सेल्स ग्रोथ कैसे होगा, जो सेल्स है वो ग्रोथ कैसे होगा, सेल्स ग्रोथ। तो सेल्स ग्रोथ के लिए कि ये हॉरिजेंटली ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, जो कि अलग अलग पार्ट में, मतलब पहला ज्योग्राफिकल पे कंसंट्रेट कर रहे हैं जिसमें इंडिया आता है, दूसरा है कि प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट में क्या है, US एंड मिडिल ईस्ट, वहाँ पे ये पहले ही बता चुके हैं स्ट्रांग है और वहाँ पे फोकस भी कर रहे हैं, जहाँ स्ट्रांग है उस पर फोकस कर रहे हैं, जहाँ से उनका रिवेन्यू ज़्यादा अच्छे से जनरेट हो और सेल्स ज़्यादा बढ़े। तीसरा इन्होंने बताया इमर्जिंग रीजन्स, इमर्जिंग रीजन्स जहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है एशिया एंड अदर टेरिटरीज में, जहाँ पे ये अपना देखेंगे जो भी वर्क विथ सेल्स लीडर, मतलब जो भी लीडर है वहाँ पे सेल्स करिए उसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, उसमें कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, तो क्लाउड बिजनेस में, एप्लीकेशन एनालिटिक्स एंड ऑटोमोबाइल्स ऑटोमेशन में, AAA जिसे बोलते हैं एप्लीकेशन एनालिटिक्स एंड ऑटोमेशन, नया कर रहे हैं क्या डिजिटल BPS एंड BPO में, यहाँ और सबसे ज़रूरी चीज़ ये नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी 5G में काम कर रहे हैं, और यहाँ क्या कर रहे हैं इम्प्लाई, सबसे अच्छी चीज़ इस 3i इन्फोटेक के साथ अच्छी ये है कि अभी भी इम्प्लाई है उनके पास एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, 15 ईयर्स 20 ईयर्स ओल्ड क्लाइंट्स हैं। अब अगला सवाल आता है कि ये 100 करोड़ का जो एबिटा है, 100 करोड़, 100 करोड़ का जो एबिटा बोल रहे हैं ये, वो 3 साल में 3 ईयर्स में वो कैसे अचीव करेंगे, तो इन्होंने बताया कि न्यू लाइंस ऑफ बिजनेस भी फोकस कर रहे हैं, न्यू लाइंस ऑफ बिजनेस में इसमें कैसे कैसे इन्होंने प्लान कर रखा है कि न्यू लाइंस बिजनेस में जो क्लाउड फर्स्ट वर्टिकल है एंड डिजिटल IMS है, जो यहाँ पे देख सकते हैं डिजिटल IMS का, IMS मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन वाला एंड मेंटेन मैनेजमेंट सर्विसेज है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सर्विसेज, उसको लेकर के IMS डिजिटल जो IMS है उसमें उन्होंने बताया कि यहाँ से अप्रोक्स 25% एबिट आने के चांसेस है, और लो कोड नो कोड का जो अलग से जो एनालिटिक्स का बिजनेस होता है वहाँ से 40%, डिजिटल BPaaS क्लाउड यानी बिजनेस प्रोसेस एंड सर्विसेज एंड बिजनेस नॉलेज एंड सर्विसेज के लिए जो GRC लॉन्च करने वाले हैं, और यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो डिफेंस के लिए यानी डिफेंस सेक्टर में यहाँ पे वो 2 महीने के अंदर लॉन्च करने वाले डिफेंस सपोर्टिव सर्विसेज सर्विसेज यानी डिफेंस के लिए जो सपोर्ट करेंगे, जिससे कि इनके गवर्नमेंट बिजनेस में भी बहुत ही ग्रोथ के चांसेस रहेंगे, जिसके चलते वहाँ से इनको अच्छा एबिटा और ये अप्रॉक्स जो 50% का जो बाकी डिवीजन रहेगा वो इधर से रहेगा। तो इन तरह से इन्होंने अपना प्लान कर रखा है कि आगे 3 साल में ही 100 करोड़ का एबिटा बनाएंगे और आगे $1 बिलियन की जो कंपनी होगी वो 2030 तक इसे बनाना है रिवेन्यू में। और एक और प्लानिंग ये कर रहे हैं इन्होंने कि रिवार्ड पीपल फॉर मोर लॉन्गर कॉन्ट्रैक्ट्स और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू रहेगा ना, जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू लॉन्ग टर्म के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होता है उसके आधार पर, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के आधार पर ये क्या करेंगे कि उसको रिवार्ड करेंगे, जिसके कारण जो भी पुराने जो क्लाइंट्स हैं वो इनके साथ जुड़ा रहे। और गवर्नमेंट बिजनेस पर कैसे फोकस करेंगे, तो गवर्नमेंट बिजनेस पे देखेंगे कि अपना जो इनका कैपेबिलिटी है उसके अनुसार से ये फोकस करें, मॉडरेट रिस्क लेकर, जहाँ पे इनको दिखता है कि नहीं ये रिस्की है वहाँ पे बिल्कुल फोकस नहीं करेंगे, वहाँ से ये निकलेंगे और वो सिर्फ फोकस वहाँ करेंगे जहाँ इनका कैपेबिलिटी है, जहाँ इनका स्ट्रेंथ है, IoT बिजनेस या वीडियो सर्विलेंस और अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स में वहाँ पर काम कर रहे हैं। अब चलिए दोस्तों, ये तो इनका बिजनेस प्रोस्पेक्ट ऑन और फ्यूचर ग्रोथ के बारे में हो गया, अभी बात करते हैं मेन जो आजकल सबका सवाल है कि आखिर ये SOA क्या है, SOA हुआ क्या है और इससे SOA हुआ क्या है, ये है क्या, तो ये स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट का अलग अलग तरीके से होता है, वहाँ पर रिडक्शन इंक्रीमेंट कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट जो 3i इन्फोटेक में हुआ है उसमें यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट में इनकी बात उठाई गई और उसे बताया भी गया कि ये बस सिंपल रिडक्शन ऑफ शेयर्स है,
जिसमें कि जिसका रिकॉर्ड डेट 31 अगस्त था, और इसमें जो 10 शेयर के बदले 1 शेयर दिए गए हैं सीधा सीधा रिडक्शन किया गया है। यहाँ पे किसी को कुछ लॉस नहीं है, बस नंबर ऑफ शेयर्स, वैल्यू में कोई डिडक्शन नहीं है, वैल्यू उतनी ही रहेगी, बस नंबर ऑफ़ शेयर घटाए हैं और अपना उसका प्राइस इम्पैक्ट आ ही रहेगा। तो इन्होंने एक्सचेंज को इसके बारे में मीट किया, एक्सचेंज को बताया कि हमारा SOA जो अप्रूव हुआ है उसके हिसाब से हम इतने तारीख से ट्रेडिंग रोक रहे हैं और हम सितंबर के 3rd वीक में आना चाहते हैं रिलिस्टिंग के लिए। लेकिन वहाँ एक्सचेंज ने बोला कि नहीं, अगर आपने रिडक्शन यहाँ से आप डिलीट किए तो आपको रिलिस्ट का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो प्रोसीजर में उन्होंने बताया कि हम तो डिलीट हुए ही नहीं हैं, हम तो अभी तक तो लिस्ट ही हैं, बस वहाँ पे हमने अपना क्वांटिटी रिड्यूस किया है, 100 अगर किसी के पास है तो हमने उसके बदले 10, तो 10 तो अभी भी वहाँ पे लिस्ट है ही, अभी 90 बस रिड्यूस किया है। तो एक्सचेंज ने बोला कि नहीं, आपको ऐसा किया है तब भी आपको 10 शेयर के लिए भी रिलिस्ट करना ही पड़ेगा, आपको रिलिस्ट का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो इसके लिए इन्होंने अपना रिलिस्टिंग का एप्लीकेशन, यहाँ अपने रिलिस्टिंग का जो एप्लीकेशन है, रिलिस्ट का जो एप्लीकेशन है वो उन्होंने अभी सबमिट किया है एक्सचेंज के, वहाँ पे रिलिस्ट का जो है एक्सचेंज पे, वो वहाँ से जैसे अप्रूव होगा तो एक्सचेंज का जो आगे का प्रोसीजर होता है वो फॉलो होगा। तो दोस्तों अभी जो 20 तारीख के आसपास जो बोल रहे थे कि रिलिस्ट हो जाएगा, तो वो अब यहाँ से दिख नहीं रहा है कि नजरली, क्योंकि हो सकता है कि 20 से 25 के बीच में तो ये एप्लीकेशन ही वहाँ से 22 तारीख तक मान लेते जो भी है, तो उसमें ये एप्लीकेशन अप्रूव होगा, उसके बाद होगा कि इसका प्रोसीजर आगे का शुरू होगा। तो इन्होंने टाइम बताया कि कब तक ये हो सकता है। तो इन्होंने इसमें एक ज़रूरी चीज़ ये बताई कि जब भी होगा, ये क्लियरली पूरा बता नहीं सकते कब होगा, लेकिन जब भी होगा उसे 3 से 4 दिन पहले ये ईमेल सेंड करेंगे जितने भी इन्वेस्टर होंगे। किस चीज़ के लिए ईमेल सेंड करेंगे कि आपका पहले कितना क्वांटिटी था और आपका अभी कितना क्वांटिटी है, इसके लिए यहाँ पर वो ईमेल सेंड करेंगे कि हाँ रिड्यूस होने के बाद कितना क्वांटिटी आया है। और यहाँ पे इन्होंने एक भी ये भी बात बताई कि जो भी फ्रैक्शन में था, जिनके पास मान लीजिए अगर 12-13 शेयर है तो आपको 10 का ही रिडक्शन मिलेगा एक, और बाकी जो 2-3 होगा वो एक ट्रस्टी बनाए अलग से, वहाँ पे वो शेयर जमा हो जाएगा, बाद में उसी के प्राइस के हिसाब से सेल होगा और वो प्राइस डिस्ट्रीब्यूट होके आपके पास आएगा। और इसमें जो था कि कब तक हो सकता है, तो उन्हें बताया कि आइडिया ये है कि ज़्यादा डिले होगा नहीं, अक्टूबर के 1st या 2nd वीक में रिलीस्ट होगा, आप देख सकते हैं रिलीस्ट अप्रॉक्स टाइम अक्टूबर 1st और 2nd वीक, 1st और 2nd वीक में अक्टूबर के ये रिलीस्ट होगा, पूरा चांसेज है, क्योंकि उतना भी ज़्यादा डिले होना नहीं है, इन्होंने पूरा अपना प्रयास कर रहे हैं कि कब रिलीस्ट हो जाए। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेशन और एनालिटिक्स और बिजनेस मॉडल किसी कंपनी का उठाकर जिसका इन्फॉर्मेशन आया हो और जिसका बहुत ही अच्छा फ्यूचर ग्रोथ का चांसेस हो, जिसके प्राइस में आगे बहुत ही अच्छा ग्रोथ आ सकता है। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएँ। अगर आपके मन में अब भी कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं, जो लगता है कि आपके लिए ज़रूरी है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप ये मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से, आप जुड़ सकते हैं, वहाँ आप अपने सवाल पूछिए, आपको जवाब बिल्कुल